गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा आज, तो मेरा ब्लॉग कल पक्का आएगा। और मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी सो लिए कुछ बन नहीं पाया, और थोड़े बगल में अंकल जी का रिटायरमेंट था तो वहाँ पर था कुछ, तो फाइनली आएगा आज कल तो पक्का आएगा। और प्लीज़ ऐसा सपोर्ट करते रहिए मेरा। और आज थोड़ा काम जाने का प्लान है हमारा, बगल में अंकल रिटायरमेंट है, यहाँ भी रहेंगे, बगल में साउट थोड़ा गांव जाने के प्लान है 10 बजे तक, तो पहले चलेंगे गांव, अब पी रहे पहले चाय पीते, चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे, पहले चलेंगे गांव, निकलते हैं गांव के लिए, फिर गांव मिलते हैं आपसे। बिना ब्लॉग डेली आया करेगा और कोई टेंशन नहीं है वैसे तो, पर तो कल थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी ना तो इसलिए नहीं जा पाया। और पकड़वान कहीं काम भी करवाया था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कह रही थी इसलिए, आप देख सकते कला जुकाम हो रहा है बहुत बुरा मुझे, पर क्या करें वक्त तो करना ही पड़ेगा। और बाल भी काफ़ी बड़े हो गए तो एयर कट भी लेना पड़ेगा इसका, एयर कट लेने के बाद, और अभी थोड़ा बहुत देर में निकलेंगे हम, क्योंकि बाबा फ्रेश फ्रेश होने गए, मैंने तो लिया था सोई ली, और अभी चाय पी के बाद निकलेंगे सीधा, फिर दिखाते हैं आप। और अब घर पहुँच चुके हैं, और हमें आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था घर पहुँचने में, और ठंडी भी काफ़ी लगी थी रोड पर, ठंडी भी काफ़ी लगी थी, और इसलिए मैं अपने इनर डाल के आया हूँ, जैकेट डाल के आया था, और जैकेट ना कभी तक काफ़ी तगड़ा जुकाम हो रहा है, जैसे मुझे बोला नहीं आ रहा आप मेरे रूम हो रहे होगी। और मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, कि बात ये करनी थी कि कुछ लोग हेटर्स हैं जो करते हैं, कहते हैं कमेंट में करते हैं, अरे ये फालतू क्या करते हो, वो करते हो, हेट करते हो फालतू में, ये करते हो, वो करते हो, खाना खिलाते हो, क्या दिखाते हो। तो भाई हीटर्स का काम है जलने का, तो जलते रहेंगे, और मेरा काम है वर्क करने का, वीडियो बनाने का, तो मैं करता रहूँगा। और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 100 का जल्दी होने जा रहे हैं, तो केवल 2 सब्सक्राइबर आ गए हैं जो आप करवा सकते हो जल्दी से जल्दी। और मेरे आज गाँव में बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग ही खुशबू आती है यहाँ पर आप पहुँचने के बाद, कुछ अलग ही खुशबू आती है। और धूप में अभी फिलहाल धूप में खड़ा हूँ, ठंड लग रही थी मुझे तो धूप में खड़ा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू हमारे गांव का कैसा है, दिखाता हूँ। गाइस ये हमारे गांव का व्यू है आगे का, आप देख सकते हो ये आगे का व्यू है हमारे गांव का। और वैसे तो कोई नहीं रहता छतों पर, तो वैसे फिलहाल मैं ही हूँ फिलहाल तो, और यहाँ पर कोई नहीं छतों पर। और देख सकते हो आप बहुत कुछ है गांव में हमारे में, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, कुछ सब कुछ है,
और फिलहाल ये हमारा घर है, देख सकते हो गांव का ये घर है हमारा इधर भी। और अभी थोड़ी देर दूध दूध पियेंगे और फिलहाल थोड़े बहुत काम है खेतों वेतों पर, वहाँ जाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं चलते समय, क्योंकि अभी 10 o'clock के थे, क्योंकि वहाँ पर भरतपुर भी पहुँचना है, अभी रिटायरमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ भी पहुँचना है। तो अभी फ़िलहाल चलते नीचे, मेरे चाचा मैं अभी आ रहा घर ही आया था थोड़ा देर पहले, तो देखा कि उसका हाथ में कुछ लग गया है, तो दिखा के जाते हैं डॉक्टर के पास, चलते हैं। तो फाइनली गाइस ये हमारा घर है आप देख सकते हो पीछे, और हम ये यहीं पे रहते हैं, ठीक है आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। और वैसे तो हम पहले यहीं पे रहते थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा, हमें 10 साल हो चुके हैं वैसे तो वहाँ पर रहते रहते, 10 साल 12 साल हो चुके हैं। और फाइनली यहाँ पर ये वाला हमारा रूम था जो है, ये वाला रूम था पहले, पर अब तो क्या वैसे रखा रहता है अरे आप देख सकते हो थोड़ी साफ सफाई नहीं रहती यहाँ पर। और वैसे तो ये कमरा हमारा रूम था पहले, और यहाँ पर ये किचन थी हमारी, और ये सारा हम सभी ताऊ जी ने और मेरे पापा ने मिलकर बनवाया है ये पूरा। और यहाँ पर छोटू है, छोटू हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे, हाय हाय कर दे। तो ये छोटू है चाचा जी का लड़का है, तो कि मोबाइल लिख रहा है, मोबाइल से खेल रहा था अभी, आज ठीक हो गया तेरा अभी। थोड़ी देर गांव से आए थे, और गांव से थोड़े खेतों पे आए थे, यहाँ खेतों की खुशबू मिट्टी में कुछ अलग ही मतलब खुशबू सी आती है यहाँ पर, मतलब खेतों में गांव में आकर कुछ अलग ही खुशबू सी आती है। और अभी तुम हम खेतों पर ही है, आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में खेतों पर ही अभी हम, थोड़ी देर बाद कुछ काम था बाहर से आए थे, तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर थे हम, तो अभी गाँव में खेतों में देख सकते हो आप कि अभी खेतों में ही हैं हम, और खेतों में घूम रहे हैं, तो अभी चल चलते हैं। गाँव से घर आ चुका था, और घर आने के बाद थोड़ी मैं नहाया धोया, नहा धोने के बाद मैंने अब एकदम चमक गया हूँ। और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जल्दी, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।